नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एपी दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस 101 सीरीज के इस नए वीडियो में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि छोटे बिजनेस या जो नए बिजनेस रहते हैं उनकी पार्टनरशिप फेल क्यों होती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब दो या ज़्यादा दोस्त आपस में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर भाई आपस में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कुछ फैमिली मेम्बर मिल करके एक कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो जब बिजनेस शुरू होता है तब वहाँ पर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उन लोगों में प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं और कई बार वो बिज़नेस टूट जाता है। अब बिज़नेस टूटता क्यों है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पैशन की बात ले सकते हैं, आइडियाज़ की बात ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे बेसिक कारण होता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है एज ए बिज़नेस कोच, जितने लोगों को भी मैंने ट्रेन किया है या जितने भी लोगों को बिज़नेस बचाने में मैंने मदद की है, उन लोगों को मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम प्रॉब्लम आती है फाइनेंस से जुड़ी हुई बातों पर या पैसे से जुड़ी बातों पर। होता क्या है कि जो नए बिज़नेस होते हैं, छोटे बिज़नेस होते हैं, उन लोगों को अपना मनी मैनेजमेंट नहीं आता, और मनी मैनेजमेंट ना आने की वजह से किसी एक को पैसे ज़्यादा मिलने का डर रहता है, किसी दूसरे को पैसे कम मिलने का डर रहता है, और इस वजह से लोगों के बीच में जो जोड़ रहता है वो टूटने लगता है, लोगों के बीच में भरोसा ख़त्म होने लगता है, और जब भरोसा ख़त्म हो गया तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, और मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल देकर के बताता हूँ जहाँ पर मैंने इस चीज़ को देखा है, और सिर्फ 15-15 मिनट की बातों से मैंने उन लोगों के बिज़नेस को टूटने से बचाया है, उन भाइयों के बिज़नेस को। मेरी वाइफ जहाँ पर उसके कपड़े सिलवाती है, तो वहाँ पर पहले कोई लेडी चलाया करती थी दुकान को, उन्होंने अच्छी दुकान चलाई थी, और दो भाई थे जो उनके लिए काम किया करते थे। उस लेडी की शादी हो गई, अब इन दोनों भाइयों के बीच में थोड़े दिन तो बात चली, लेकिन फिर उसके बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि भाई दुकान का मालिक कौन है, दुकान का मालिक कौन है, दुकान में ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे, और इसकी वजह से उस दुकान के दो फाड़ हो गए। दो फाड़ होने की वजह से क्या हुआ कि वो बिज़नेस जो ग्रो कर रहा था, जहाँ पर ज़्यादा लोग काम करवाने आते थे, अब वहाँ पर कम लोग काम करवाने आते हैं। अब दोनों भाइयों ने अपनी अलग अलग दो दुकानें खोल ली हैं, दो अलग अलग बुटीक खोल ली हैं, तो कुछ कस्टमर वहाँ जाते हैं, कुछ कस्टमर यहाँ आते हैं, और इन दोनों भाइयों में किसी एक को कुछ आता था और दूसरे को कुछ आता था, मतलब दोनों के लिए अब काम करना मुश्किल हो गया, और उनके पास में एक नया बंदा उनको हायर करना पड़ा, उनकी इनकम हो गई कम और खर्चे हो गए ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद में भी उन लोगों का काम टाइम पर पूरा नहीं होता, तो कस्टमर क्या हो रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, अब ये एक चीज़ हो गई। मेरी वाइफ को पानी बताशे खाना भी पसंद है, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। तो एक नया ठेला, एक नई दुकान शुरू की दो भाइयों ने मिलकर के, और वहाँ पर जब वो खाने जाया करती थी, कुछ दिन बहुत अच्छा चला। उसके बाद में हुआ ये कि 8-10 दिन वो दुकान पूरी तरीके से बंद थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ यार, जब भी हम लोग पानी बताशे खाने जाते वो दुकान बंद मिलती। फाइनली मैंने वहाँ पर किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यार इन लोगों ने तो बंद कर दिया दुकान, अभी बंद कर रखी है। और मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, मैं थोड़ा सा जो है टच में आ जाता हूँ जब, तो थोड़े से रिलेशनशिप बना लेता हूँ, तो मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। मैं पता करते हुए उन लोगों के घर पर पहुँचा, जब उनके घर पर पहुँचा तो दोनों भाइयों के बीच में बनी नहीं रही थी। उन दोनों भाइयों में से बोलता वो ज़्यादा पैसे ले लेता है, दूसरा भाई बोलता ये ज़्यादा पैसे ले लेता है। तो मैंने उनको समझाया और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया, और वही मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अपनी सैलरी फिक्स करनी है एज ए पार्टनर, एज एन एम्प्लॉई। हो सकता है आप दोनों ही लोग काम करने वाले लोग हैं और ज़्यादा कोई काम करने वाला नहीं है आपके यहाँ, तो भी आप अपनी सैलरी फिक्स कीजिए। सैलरी कैसे फिक्स करनी है वो आपको अपने ऊपर देखना है कि आपकी बिज़नेस से आपकी इनकम कितनी हो रही है। मान लीजिए आपकी इनकम अभी इस वक्त हो रही है महीने की 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हो रही है, आप क्या करिए 3,000 रुपये आपकी सैलरी फिक्स कर लीजिए, 3,000 रुपये आपके पार्टनर की सैलरी फिक्स कर दीजिए, दोनों बराबर सैलरी फिक्स कर लीजिए, या जितना भी आप लोगों का हिस्सेदारी है उस हिसाब से आप लोग अपनी सैलरी फिक्स कर लीजिए। और अब आपको करना क्या है कि अपनी सैलरी इसमें से ही लेनी है, इससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं निकालने हैं, और ये भी सैलरी आपको मंथ के एंड में लेनी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ पर फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उस पैसे को रोज़ का रोज सेव करना है, और उसको महीने के बाद में अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल करना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मान लेते हैं आपने एक दुकान खोली, आपने एक पानी बताशे की दुकान खोली, ठीक है, आप दोनों भाई या दो दोस्त बिजनेस कर रहे हैं पानी बताशे की दुकान का। तो अब आपने जब दुकान खोली तो आज आपका गल्ला हुआ 700 रुपये का, ठीक है, आज आपका गल्ला हुआ 700 रुपये का, और आपको कल के लिए सामान खरीदना है 400 रुपये का। तो अब आपको क्या करना है, 400 रुपये का आपने सामान खरीद लिया, जो 300 रुपये बचे हैं उसको आप एक बैंक में डाल दीजिए, या आपने एक
गल्लक में डाल दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, कि वो 300 रुपये आपको छूना नहीं है, उस 300 रुपये में से एक भी रुपया नहीं लेना है। और ये आपको रोज का करना है, आज 300 रुपये हुए, कल 400 रुपये हुए, और इस तरीके से पूरे महीने तक पैसे जमा करते रहिए। अब ये हम मान लेते हैं कि पूरा महीना ख़त्म होने के बाद में आपके हाथ में आए 11,000 रुपये, जो सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है। और जो दुकान का खर्चा निकल रहा है वो सब आपको इसी पैसे से निकालते जाना है। दुकान के खर्चे के लिए आप रोज़ का निकालना ज़रूरी है, तो आप रोज़ का निकाल लीजिए, लेकिन जो आपको बाकी का पैसा है वो हर महीने का पूरा महीने तक जमा करना है। अब महीने की 1 तारीख को आप पहुँचे, 1 तारीख को आपने क्या करा कि 3,000 रुपये आपके लिए निकाल लिए, क्योंकि आपकी सैलरी आपने 3,000 रुपये तय करी है, 3,000 रुपये आपने आपके पार्टनर के निकाल लिए। अब आपके पास में बचे हैं 5,000 रुपये, इस 5,000 रुपये को उठा करके आप आपकी कंपनी के या जो आपका बिजनेस है उसके नाम पर बैंक में जमा कर दीजिए। ये 5,000 रुपये आपने बैंक में जमा कर दिए, अगले महीने फिर यही करना है, फिर यही करना है, फिर यही करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप 6 महीने तक जमा करते रहेंगे तो कभी 5,000 जमा होंगे, कभी 4,000 जमा होंगे, कभी 3,000 जमा होंगे। और ये भी हो सकता है, मान लीजिए बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आपकी पानी बताशे की दुकान नहीं चल रही, तो फिर क्या करेंगे, हो सकता है उस वक्त आपकी महीने की जो बचत हुई वो सिर्फ 5,000 रुपये हुई हो, ठीक है, पर आपके खर्चे तो 6,000 रुपये के हैं, 3,000 आपके, 3,000 आपके पार्टनर के। तो आपको क्या करना है कि वो जो पैसा है, जो बैंक में जमा हुआ पैसा, उसमें से आपकी 5,000 रुपये की या 4,000 रुपये की बचत हुई है, तो 4,000 रुपये बैंक में जाएंगे, और बैंक से 6,000 रुपये निकल करके 3,000 आपके हाथ में आ जाएंगे, 3,000 आपके पार्टनर के हाथ में आ जाएंगे। इस तरीके से आपके हाथ में लगातार एक फिक्स सैलरी आएगी, एक फिक्स अमाउंट आएगा, तो आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी सैलरी मैनेज कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सैलरी फिक्स करें, आप अपने पार्टनर की सैलरी फिक्स करें, और उससे ज़्यादा या उससे कम पैसे ना लें। अगर किसी महीने आपने या आपके पार्टनर ने पैसे ज़्यादा ले लिए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले महीने आप कम सैलरी लें, आपका पार्टनर कम सैलरी लें, और इसको आप 6 महीने तक फॉलो करिए, 6 महीने तक आप फॉलो करिए। फिर 6 महीने के बाद में अपनी सैलरी को अपने इनकम के हिसाब से, अपने बैंक में जो पैसा जमा हुआ है अपनी कंपनी के खाते पे, उसके हिसाब से देख लीजिए, और फिर उसके बाद में वापस से रिव्यू करिए अपने अकाउंट को। 3,000 का 6,000 कर लीजिए, चाहे तो 30,000 कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, पर ये कोशिश करिए कि इस तरीके से आप अपनी कंपनी को मैनेज कर सकें। और इसके साथ में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो रूल्स हैं उनको आप डिफाइन कर लीजिए, कि भाई मैं ये वाला काम देखूंगा, तू ये वाला काम देखना, जो है मैं पानी बताशे की दुकान पर, ठीक है, मैं टिकिया बनाऊंगा, तू पानी बताशे की दुकान पर लोगों को पानी बताशे खिला। तो इससे क्या होगा कि, और एक बार आपने जब रोल डिफाइन कर लिए, तो सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि यार वो कम काम कर रहा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है। सबको पता है कि भाई मेरा ये रोल है, मैं इसको करूँगा, तेरा ये रोल है, तू ये कर। तो और ये मैंने पानी बताशे का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बिजनेस है, लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं, आप इसको किसी भी बिजनेस में, आप कपड़े की दुकान चलाते हैं, आप किराना दुकान चलाते हैं, आप मिठाई की दुकान चलाते हैं, आप पान की दुकान चलाते हैं, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मान लीजिए आप 3 दोस्त 4 दोस्त मिलकर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी यही करना है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको ये रूल फॉलो करना है। और जब आप ये रूल फॉलो करेंगे कि भाई हमको जितना पैसा आ रहा है महीने के एंड में, सबको एक फिक्स सैलरी देनी है और बाकी का पैसा कंपनी के खाते में डालना है, तो आपकी जो है बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। और चलिए ये तो एक बात है, अब ये जो बिजनेस में आपके पैसे जमा हो रहे हैं हर महीने का थोड़ा 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 जमा हो रहा है, तो आप इस पैसे को क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 6 महीने में आपके पास में इतना पैसा जमा हो गया कि आप एक और ब्रांच, एक और ऑफिस, एक और जगह कुछ खोल सकें या अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकें, तो आप उस पैसे से जो बच रहे हैं पैसे उससे एक्सपांड कर पाएंगे, नहीं तो आपके पास में कैपिटल बचेगा ही नहीं। तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कैपिटल भी जमा करें। तो ये जो मैंने तरीका बताया है इसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, जब आपके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे तो आपकी पार्टनरशिप टूटने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप नहीं टूटेगी, लेकिन पार्टनरशिप टूटने का जो सबसे बड़ा पैसा कारण होता है वो कारण खत्म हो जाएगा, और किसी को ये नहीं लगेगा कि यार सामने वाला मुझे चीट कर रहा है या सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है। पूरी ईमानदारी रहेगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और इस तरीके से आप लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ भी कर पाएंगे। बिजनेस 101 सीरीज़ का आज का यही वीडियो था, यही मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक पर बहुत काम की जानकारी आपके लिए काम में आई होगी। वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा, और उनके साथ तो जरूर करिए जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।